श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 सहेलियाँ। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले। वधू, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियाँ चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियाँ सोसन फूलों के बीच में चराता है। 5वां गीत वर। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर लें क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसे भेड़ों के झुंडों के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो, उनमें से प्रत्येक जुड़वां बच्चे देती है जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं, वहाँ 60 रानियाँ और 80 रखेलियाँ और असंख्य कुमारियाँ भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों में से उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखा और उसकी प्रशंसा की, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर पड़ती है, भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई और तराई के फूल देखे और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार पे रथ पे चढ़ा दिया है। सहेलियाँ, लौटा लौटा हे सुलेमीन, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। वधू, क्या तुम सुलेमीन को इस प्रकार देखोगे और जैसा महनेम के नृत्य को देखते हैं।